ब्रीदिंग लाइफस्टाइल चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये फेशियल मसाजर, जो कि मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है। इसका जो प्राइस मुझे पड़ा है वो 876 समथिंग है, जो कि मैंने प्राइम की, एक्चुअली मैंने अमेज़ॉन की सेल से मैंने ये ऑर्डर किया था। अदरवाइज़ इसका रेगुलर जो प्राइस है वो मुझको आई थिंक 1000 रुपीज़ है। और अभी आज ही मैंने देखा है कि अमेज़ॉन पे प्राइम अभी भी चल रहा है, तो हो सकता है ये आपको इसी 876 समथिंग प्राइस में मिल जाए। तो मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। इसके अंदर 11-in-1 फेस ब्यूटी डिवाइस है, जिसमें 11-in-1 का कॉम्बिनेशन है। इसमें एक मसाजर है और ये उसके इतने ब्रशेस हैं। एक ब्रश आप ये देख रहे हैं, इसमें लिखा है सॉफ्ट ब्रश टू क्लियर ऑल ऑफ द स्कब्स क्लिंग ऑन द सरफेस। और ये है क्रूड पॉलिश एक्सेसरी टू रिप द टफ स्किन एंड कटिंग ऑफ द कॉर्नर। एंड एक ये है मेकअप स्पंज, इसमें मेकअप स्पंज टू मसाज एंड क्लियर स्किन। एंड दिस इज लैक्टस स्पंज, सॉफ्ट लैक्टस ब्रश फॉर आई एंड चिक्स। एंड दिस वन इज रोलिंग मसाजर्स टू मेक बेटर ब्लड सर्कमस्टेंस फ्रॉम द सैगिंग फ्रॉम स्किन एजिंग। एंड दिस इज द क्रिस्टल पैड्स टू रिमूव अनवांटेड हेयर। और ये 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 और दिए गए हैं। और ये जो हैं, ये 5 ब्रशेज जो हैं ये पैर के लिए हैं, पैरों के लिए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि सॉफ्ट ब्रश टू क्लियर अप ऑल दी स्कर्व्स क्लिंग ऑन दी सर्व्स। एंड दिस इज द कोरस बफर फ्रॉम रिमूविंग टफ कैल्यूस स्किन। एंड दिस इज अ प्यूमिका एप्लीकेटर फॉर द फिलिंग एंड स्मूदिंग रफ सेलुलर कैलस स्किन। एंड दिस इज अ फाइन बफर फॉर फाइनल सूदिंग और फॉर शेपिंग नेल्स। एंड दिस इज अ क्रूड पॉलिश एक्सेसरी टू रिप द टफ स्किन एंड कटिंग ऑफ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो इसका ई नंबर है वो 8783A है। और जो पैरों के लिए है वो इसमें आपको दिखाया गया है कि आप कहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो। हील पे कर सकते हो, हील बॉल पे कर सकते हो और टो नेल पे भी कर सकते हो। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ फटाफट कि इसके अंदर क्या क्या आया है। एक्चुअली मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ और मैंने सोचा कि मैं यूज़ करूँ उसके बाद में आपको इसका रिव्यू दूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी ये किट आई हुई है और इस किट को हमें ऐसे ओपन करना है। ये जो सेल है जो मैंने यूज़ किया था तो मैंने इसमें रख दिया है। अब आप मैं आपको मैं दिखाती हूँ कि इसके अंदर ये जो है ये ब्रश इसमें लगा हुआ है, एक लगा हुआ आया था। तो ये ब्रश जो है आपकी फेस पे स्क्रब करने के लिए काम आता है। इससे आपका फेस बहुत अच्छे से स्क्रब होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये मशीन कैसे ऑन होती है। इसमें आप ये देखेंगे कि ये एक होल दिया हुआ है और इसमें पीछे एक बटन है जिसमें हाई, लो और ऑफ का बटन दिया हुआ है। हालांकि इसकी जो क्वालिटी है वो एवरेज है, कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट इट इज़ ओके बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ इट ऑन एवरीडे बेसिस, बट यू कैन ऑल्सो। मैं इसमें सेल लगे नहीं आए थे, मैं इसमें सेल लगा रही हूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो मैंने ये सेल लगा दिए हैं इसमें, मैंने इसे बंद किया। अब आप इसमें जो चाहें अपना ब्रश लगा सकते हैं।
मैं इसमें ये ब्रश लगा के आपको दिखाती हूँ। ये ब्रश मैंने इसमें लगा दिया है, अब ये कुछ इस तरीके से चलने लगेगी। अब आप चाहें इसे तो आप इसे हाई कर सकते हो, चाहे तो इसे लो कर सकते हो, चाहे तो इसे बंद कर सकते हो। इसमें तीन ऑप्शन है, लो देन हाई। तो ये ब्रश आपका स्क्रब करने के काम आएगा, फेस पे अपना जो भी आपका जो भी स्क्रब आप यूज़ करते हैं उसको आप चाहे गीले पानी से, आप अपने चेहरे पे गीले पानी लगा के अपना स्क्रब लगा लीजिए और इससे इस ब्रश से आप हल्के हल्के मालिश कीजिए तो आपके फेस की बहुत अच्छी स्क्रबिंग हो सकती है। और आप फेस वॉश जो लगाते हैं, आप इसमें फेस वॉश लगा के और हल्के से आप इसे अपनी बॉडी पे इस तरीके से घुमाइए तो आपका पूरा फेस जो है वो साफ हो जाएगा। और मैं आपको बताती हूँ, ये वाला जो ब्रश है ये एक्चुअली देव ब्रश इसका है, बट मैंने यहाँ पे लगा दिया था। तो ये और ये सेम ही ब्रशेस हैं, बट इसके जो हेयर्स हैं ये थोड़े से बड़े हैं, उसके थोड़े छोटे हैं। हाँ, और इट डजेंट मैटर। अब मैं आपको बताती हूँ, ये वाला जो ब्रश है, ये जो ब्रश है ये ब्रश आपकी आईज़ पे और आपकी जो फेस पे जो ऐसे कॉर्नर्स होते हैं जहाँ पे आप हार्ड ब्रश यूज़ नहीं कर सकते, जैसे आईज़ हैं, आपके नोज़ कॉर्नर हैं, उसके लिए ये ब्रश है। इससे आप वहाँ पर इसे ऐसे लगा के उससे आप अच्छी तरीके से मालिश कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, अब मैं आपको ये ब्रश, ये वाला जो इसका अटैचमेंट है, एक्चुअली ये जो अटैचमेंट है ये दिया तो फेस के अटैचमेंट के पास में ही दिया हुआ था, बट एक्चुअली ये मुझे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लगा। आई मीन आई वॉज नॉट एबल टू यूज़ इट ऑन माई फेस। थोड़ा सा ये इसका जो स्टोन है ये थोड़ा मुझे फेस के लिए यूज़ नहीं लगा, बाकी इट्स डिपेंड ऑन दी पर्सन टू पर्सन। मुझे तो ये ठीक नहीं लगा, मैंने एक बार यूज़ किया तो मुझे फेस पे थोड़ा जलन होने लगा। बाकी आप लोग अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते या नहीं कर सकते। एंड दिस वन इज़, ये जो इसका अटैचमेंट है ये अटैचमेंट फेस पे आप जब रात को सोते हैं तो आपको मसाज करने के काम आता है, तो इससे बहुत ही अच्छा एक्चुअली मसाज होता है। मैं आपको अभी करके भी बताऊंगी। इसे आप मसाज करने के फेस पे कोई भी क्रीम आपको लगानी है, आप रात में जब सोते हैं तो अपने फेस पे क्रीम लगाना चाहें तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी एज 30 से ऊपर है तो आप इसका यूज़ डेली कर सकते हैं, अगर आप 30 के अंदर हैं तो आप वीक में एक बार या वीक में दो बार इसका यूज़ करिए क्रीम लगाने में, फेस साफ करने में। ये काफ़ी अच्छा है। और बाकी जो इसके ये अटैचमेंट हैं, ये जो अटैचमेंट हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो सारे हैं ये सारे पैरों के लिए हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये एक ये है, एक ये है। वैसे मैंने तो अभी यूज़ नहीं किया है, लेकिन जैसे ही मैं इसको यूज़ करूँगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। ये सारे सारे आपकी जिस हिसाब से आपको अपने पैरों के लिए यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं। और ये तीन ये हैं। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि अब मैं इनको कैसे यूज़ करेंगे। इसमें मैंने सेल लगा लिया है। मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको अपने फेस पे स्क्रब करना है तो आप स्क्रब का ब्रश कैसे यूज़ करेंगे। तो ये है मेरा मशीन। मैंने इसमें अब ये वाला अटैचमेंट जो है उसको ऐड कर दिया है, और आप अपने इसको मैंने अटैच कर दिया। आप अपने जहाँ पे भी यूज़ करना चाहते हैं आपको हल्का सा वहाँ पे वाटर लगाना है, या आप चाहें तो आप इस ब्रश को इसमें डिप कर सकते हैं, देन यू कैन यू नो, बट बेटर यह है कि आप पानी लगा लें, क्योंकि आप चाहें तो स्क्रब अपना इस पर डाल सकते हैं या चाहें तो यहाँ डाल सकते हैं, सब टू यू। तो मैंने ये स्क्रब लिया है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो है स्किन फ्रूट का जेंटल एप्रिकॉट स्क्रब, अब आपकी मर्जी, आप जो भी चाहे यूज करें। तो मैं आपको दिखाती हूँ, तो मैंने थोड़ा सा ये यहाँ पे लिया है अपने हाथ पे, अब मैं थोड़ा सा और पानी लगाती हूँ एंड देन आई विल शो यू हाउ इट वर्क्स।
ये देखिए, मैंने इसको हाथ में लगा दिया और मैं ये मशीन चला देती हूँ। अब आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको अपने फेस पे, इस तरीके से आपको अपने फेस पे इसको रोल करते करते इस तरीके से इस मोशन में आपको घुमाना है पूरे फेस पे। तो ये कुछ इस तरीके से आपकी पूरे फेस पे स्क्रब करेगा और सेम मेथड से ही आपको अपने फेस पे जो आप फेस वॉश करते हैं इसी तरीके से आपको अपने फेस पे इससे आप अपना फेस वॉश लगा सकते हैं। सेम मेथड रहेगा, इसलिए मैंने आपको फेस वॉश का नहीं बता रही क्योंकि सेम मेथड है। तो ये आपकी इस वाले ब्रश से पूरे फेस पे आपका ये पूरा स्क्रबिंग हो जाएगा। अब मैं आपको इसको निकाल देती हूँ और मैं इसको लेके इसको इससे पोंछ देती हूँ फेशियल टॉवल से। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कि आप क्रीम को कैसे मसाज कर सकते हैं अपने फेस पे। क्रीम के लिए हम लोग ये वाला अटैचमेंट यूज करेंगे और हम इसको बहुत अच्छी तरीके से इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद आप जो भी क्रीम आप यूज करते हैं, मैंने क्रीम लिया और अपने हाथ पे, आप अपने फेस पे क्रीम लेके हर जगह पे अपने डॉट डॉट करके अपने फेस पे ये क्रीम लगा लीजिए। और मैंने ये क्रीम लगाई हल्की सी और इस मशीन को लेके इस वाले अटैचमेंट से आपको मशीन को ऑन करना है। आप चाहें तो इसकी स्पीड कम कर दें या चाहें तो आप इसकी स्पीड बढ़ा लें। ये देखिए इस तरीके से ये आपके पूरे फेस पे क्रीम की मालिश करता है। आप चाहें तो जो भी आप, अगर आप 30 के ऊपर हैं तो आप नाइट क्रीम जो भी यूज़ करते हैं आप उसको इसका यूज़ करके नाइट क्रीम लगा सकते हैं और आपके हल्की से चेहरे पर डेली नाइट में आप अपनी मसाज भी ले सकते हैं। और फेशियल में तो ये सारी चीज़ें अल्टीमेट काम करती हैं। आई मीन ये तो फेशियल मसाजर ही है बट डेली बेस पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ट्रस्ट मी, मैंने तो ये यूज़ किया है, मुझे तो ये बहुत ईजी लगा। मैं कई बार घर पे फेशियल करती हूँ बट क्योंकि हाथ बहुत दुखने लगते हैं तो ये जो मेथड है ना ये मुझे बहुत सही लगा है। आप लोग मतलब इसको एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो इस तरीके से ये पूरी जो क्रीम है ये क्रीम को एब्जॉर्ब करेगा आपका फेस और बहुत अच्छे तरह से ब्लड सर्कुलेशन होगा और आपका ये जो स्किन है वो बहुत ग्लो करेगा और जो रिंकल्स वगैरह एजिंग वगैरह वो सब जाएगी तो जाएगी ही। बाकी मैं आपको अब इसके बाद जो है और सबसे बड़े ये बात है जब भी आप इनको यूज़ करें तो यूज़ करने के बाद बिना इनको साफ़ किए प्लीज़ इनको मत रखिएगा क्योंकि ये फिर ख़राब हो जाते हैं। आप इनको चाहे तो एक, मैं तो इनको ये पानी में, गर्म पानी में डाल के और इनको क्लीन करती हूँ और इनको सुखाने के बाद ही इसको दोबारा रखती हूँ ताकि जो नेक्स्ट टाइम हम इनको यूज़ करें तो ये हमको फ्रेश मिले तो और कोई अभी किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना हो। और ये क्लीनिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ आप लोग इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अगर आप कुछ यूज़ कर रहे हैं इनको तो इनको हमेशा जब भी यूज़ करें तो इनको धो के रखिए, ठीक है। और अब मैं आपको बताती हूँ इसका जो मैं आपको ये जो अटैचमेंट है इसका, एक तो ये आपके फेस के जो कॉर्नर्स हैं, जो सेंसिटिव एरियाज हैं आपकी फेस के, उनके कॉर्नर पे मसाज करने में काम आता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसको जो है आप इसको जो हमारा फाउंडेशन होता है इसको लगाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि मैं तो नहीं यूज़ करती हूँ ऐसे, बट आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं उसमें। तो मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ कि हाउ इट्स वर्क्स। तो मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, ये वाला जो है अटैचमेंट मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा हार्श है तो ये मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। और नेक्स्ट, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं आपको ये जो अटैचमेंट्स हैं इनको पैरों पर भी करके बताऊँगी, बट अभी मैं आपको केवल फेस के लिए बता रही हूँ। तो मैंने ये जो फाउंडेशन है मेरा, ये लैक्मे का एब्सोल्यूट फॉलिस्ट फाउंडेशन है। ये देखिए मैंने आपको थोड़ा सा लगा के बताती हूँ। ये देखिए
इस एरिया पे मैंने इसको थोड़ा सा लिया है, आप अपने फेस पे इसको डॉट डॉट करके लगा लीजिए। और ये देखिए मैंने हल्का सा इसको, ये मत करिए तो मैंने कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको इसको अच्छे से जो उसकी ये इसको मैं इसमें लगा देती हूँ। अब आप देखिए ये कैसे काम करता है। देख रहे हैं आप, तो इस तरीके से आप इसको अपने फेस पे फाउंडेशन लगाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। शायद ये एयर ब्रश की तरह काम करता है, या इसने अपना काम कर दिया। और आप देख सकते हैं इसने अपना काम कर दिया। तो इस तरीके से फिर ये आपको देखेंगे, ये थोड़ा गंदा हो जाएगा तो वही कि मैं आप इसको निकाल के और इसमें पानी में मैंने डाल दिया ताकि ये भी मैं क्लीन कर दूं। और अच्छा है, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। और आप बताइए आपको कैसा लगा। और आजकल की लाइफ में यू नो फेशियल एंड ऑल ये सब टाइम नहीं मिलता लोगों को ये सब कराने के लिए, और पार्लर्स में जाना पड़ता है, खूब सारा पैसा खर्च होता है, प्लस टाइम भी वेस्ट होता है। घर पे जो आप खुद से करते हो वो थोड़ा डिफिकल्ट भी पड़ता है, तो हम सोचते हैं कि क्यों नहीं बाहर से कराएं। लेकिन ट्रस्ट मी, ये जो एक तरीका है, एक जो कहीं पे भी जाने से, किसी भी शादी फंक्शन में जाने से पहले एक जो बर्डन होता है हमको कि नहीं यार पार्लर जाना है और ये करना है वो करना है, ये बहुत मतलब अच्छा और ईजी तरीका मुझे लगा है कि आप घर पर इसको अपनी चाहे कहीं पे भी इसको कैरी कर सकते हैं। क्योंकि इन लोगों ने जो ये किट दिया है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट है, आप इसे ट्रैवल के लिए बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। आपने इसको रख लिया, आप कहीं भी ले गए। प्लस जो लोग जिनकी 30 से ऊपर की एज होती है उनको टाइम नहीं होता है कि वो कभी डेली अपनी स्किन का यू नो स्किन केयर कर पाएँ। पॉल्यूशन है, सब कुछ है, लाइफ बहुत हेक्टिक है, चेहरे पे का हम इतना केयर नहीं कर पाते। तो वंस इन अ वाइल 2 days और 3 days में हम ये मसाज और स्क्रबिंग फेस की कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट मुझे लगा और मैं तो उसको आपको बिल्कुल रिकमेंड करूँगी कि आप इसको बिल्कुल लें। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मैंने खुद इसको लिया और खुद इसका रिव्यू कर रही हूँ, और ये बहुत जेन्युइन रिव्यू है। और मेरे जितने भी रिव्यूज़ रहेंगे फ्रेंड्स वो सारे जेन्युइन रहेंगे, क्योंकि मैं पहले यूज़ करती हूँ प्रोडक्ट और उसके बाद ही उसका कोई रिव्यू करूँगी। और मैं आपको एक चीज़ और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बता दूँ कि इसमें जो इसके जो सेल हैं, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है कि ये जो सेल हैं इसके, इनको आपको हमेशा यूज़ करके इनको निकालना है। अगर आप इनको यूज़ करके नहीं निकालेंगे तो ये फिर आपकी मशीन ख़राब हो जाएगी। मैंने बहुत सारे लोगों को के रिव्यूज़ इसमें देखे हैं और उन लोगों ने ये बताया कि उन लोगों की मशीन जो है वो बहुत जल्दी ख़राब हो गई है। तो मैं आपको ये बता दूं कि सबसे बड़ा ये जो कारण होता है वो इस तरीके की चीज़ों में यही होता है कि अगर आप बैटरी को उसमें से नहीं रिमूव करते हैं तो वो मशीन ख़राब हो जाती है। तो सबसे पहले आप ये बात जरूर याद रखिए कि आप इसको सबसे पहले यूज़ कीजिए, यूज़ करके इसके सेल निकाल के आप इसमें ही रख दीजिए। मैं इसके सेल निकाल के इसमें ही रख देती हूँ। और जो जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप जब भी इनके जो अटैचमेंट है इनको यूज़ करें, इनको प्लीज़ क्लीन करके और अच्छे से क्लीन करके वॉश करके और इनको ड्राई करके वापस इसमें रखिएगा, क्योंकि जो वो नमी होती है फिर हम दोबारा उनको यूज़ कर दें तो यू नो इट कैन बी रीज़न फॉर दी इन्फेक्शन ऑल्सो। सो आप लोग इसको अगर अच्छे से ध्यान रखेंगे और अच्छे से इसको यूज़ करेंगे तो ट्रस्ट मी ये मशीन आपको यू नो बहुत हेल्प करेगी। इसका थोड़ा केयर भी है, जो मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं, इसकी बैटरी और इसके जो क्लीनिंग है, ये दो चीज़ का आप ध्यान रखिए तो ये मशीन काफ़ी आपको यूज़फुल रहेगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो इसके सेल हैं, मैंने पहले इनको इसको 1 week यूज़ किया था और मैंने ये देखा था कि जो इसका बैटरी लाइफ है वो ये बैटरी इसका कितना चलेगा। तो अगर आप अच्छी क्वालिटी की बैटरी को यूज़ करते हैं, तो मैंने इसको डेली बेस पे यूज़ किया था
15 मिनट या 10 मिनट की मसाज मैंने डेली ली थी इससे, तो ये बैटरी मुझे, ये सेल मुझे 1 वीक चले हैं। तो आप लोगों के लिए ये भी मैं बता दूं कि ये जो सेल हैं इसके, अगर आप डेली 15 से 20 मिनट मसाज करेंगे तो ये 7 डेज चलते हैं, और अगर आप 10 मिनट की मसाज करेंगे डेली बेस पे, तो मेरे ख्याल से ये आपको 15 दिन चले जाएंगे। तो आप मान लीजिए आपको महीने में अगर डेली बेस पे मसाज करनी है, तो आपको 2 सेल चाहिए, आई मीन 2 सेट, दो दो के, तो आपको ये जो मशीन है ये आपको आराम से महीने भर 4 सेल में चल जाएगी। और आई थिंक पार्लर में जो हम भर भर के पैसा खर्च करते हैं, उससे तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और डेली यूज करने पे आपको स्किन पे जो फर्क दिखता है वो अलग है। मैंने अपने फेस पे जो स्किन पे जो किया है, मुझे तो बहुत फर्क लगा, स्किन टाइट होती है प्लस ग्लो करती है। डिपेंड करता है आप कौन से अच्छे मटेरियल यूज करते हैं, तो आप अच्छे प्रोडक्ट यूज करिए, इनका यूज कीजिए और खरीदिए इसको। आप चाहें तो मैं आपको, मैं अपने लिंक नीचे दे दूंगी, आप वहां से जाके खरीद सकते हैं। अभी तो वहां पे प्राइम सेल चल रहा है, तो हो सकता है आपको 700 to 800 में ये पूरा वाला किट मिल जाए, लेकिन अगर सेल खत्म हो गई तो हो सकता है वो 1000 में भी हो जाए। और हाँ, मार्केट में ये जो है ना, इस तरीके की जो 5 in 3 in 1, 4 in 1 तरीके की जो किट चलती है, इस तरीके की मशीन सेट चलता है, वो भी बेटर ऑप्शन है। क्योंकि सीरियसली आई डोंट यूज दीज ऑल, क्योंकि ये तो मैंने अभी तक तो किया नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको ये वाली मशीन भी आनी है जो कि 200 से 300 रुपए तक में भी आ जाती है, तो आप वो भी खरीद सकते हैं। मैं आपको उसका भी लिंक नीचे दे दूंगी, तो अगर आपका बजट इतना नहीं है तो आप ये भी कर सकते हैं। बट क्योंकि मैंने ये किया, ये कॉम्पैक्ट है, इसमें ये किट भी था, और क्योंकि मैं ट्रैवल करती हूँ तो मुझे इधर से उधर जाने में भी थोड़ा ना इजी पड़ता है कि इसको मैं कहीं पे भी लेके जाऊँ, तो ये मुझे थोड़ा कॉम्पैक्ट प्यारा सा लगा, तो मैंने ये ऑर्डर किया। अदरवाइज आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, आप किसी भी किट बना के उसमें ये सब रख सकते हैं। तो फाइनली आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा, और आप मुझे बताइए कि आप और किसी इस तरीके की कोई और इसके बारे में और कोई और चाहिए कि इसके बारे में कोई और नॉलेज चाहते हो, या कोई और आपको जानकारी अगर चाहिए हो मुझसे। और आपको मेरा, सबसे पहले तो आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। मैं आपको पहले तो इतना, मैं आपको, आपने मेरा रिव्यू देखा, अब मैं आपको बोलूँगी आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और प्लीज़ मुझे ये बताइएगा कि आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा, अगर आपको उसमें कुछ कमी लगी है या आप उसके बारे में कुछ और नॉलेज चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं आपको उसके बारे में ज़रूर बताऊंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मल्टी थिंग लाइफस्टाइल चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये फेशियल मसाजर, जो कि मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है। इसका जो प्राइस मुझे पड़ा है वो 876 समथिंग है, जो कि मैंने प्राइम की, एक्चुअली मैंने अमेज़ॉन की सेल से मैंने ये ऑर्डर किया था। अदरवाइज़ इसका रेगुलर जो प्राइस है वो मुझको आई थिंक 1000 रुपीज़ है, और अभी आज ही मैंने देखा है कि अमेज़ॉन पे प्राइम अभी भी चल रहा है, तो हो सकता है ये आपको इसी 876 समथिंग प्राइस में मिल जाए। तो मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। इसके अंदर 11 in 1 फेस ब्यूटी डिवाइस है, जिसमें 11 in 1 का कॉम्बिनेशन है। इसमें एक मसाजर है, और ये उसके इतने ब्रशेस हैं। एक ब्रश आप ये देख रहे हैं, इसमें लिखा है सॉफ्ट ब्रश टू क्लियर ऑल ऑफ दी स्कब्स क्लिंग ऑन दी सरफेस। और ये है क्रूड पॉलिश एक्सेसरी टू रिप दी टफ स्किन एंड कटिंग ऑफ द कॉर्नर। एंड एक ये है मेकअप स्पंज, इसमें मेकअप स्पंज टू मसाज एंड क्लियर स्किन। एंड दिस इज लैक्टस स्पंज, सॉफ्ट लैक्टस ब्रश फॉर आई एंड चिक्स। एंड दिस वन इज रोलिंग मसाजर्स टू मेक बेटर ब्लड सर्कमस्टेंस फ्रॉम द सैगिंग फ्रॉम स्किन एजिंग। एंड दिस इज द क्रिस्टल पैड्स टू रिमूव अनवांटेड हेयर। और ये 1 2 3 4 5, ये 5 और दिए गए हैं। और ये जो हैं, ये 5 ब्रशेज जो हैं ये पैर के लिए हैं, पैरों के लिए हैं।
तो आप ये दे सकते हैं कि सॉफ्ट ब्रश टू क्लियर अप ऑल द स्कर्व्स क्लिंग ऑन दिस सर्व्स एंड दिस इज द कोरस बफर फ्रॉम रिमूविंग टफ कैल्यूस स्किन एंड दिस इज अ प्यूमिका एप्लीकेटर फॉर द फिलिंग एंड स्मूदिंग रफ सेलुलर कैलस स्किन एंड दिस इज अ फाइन बफर फॉर फाइनल सूदिंग और फॉर शेपिंग नेल्स एंड दिस इज अ क्रूड पॉलिश एक्सेसरी टू रिप द टफ स्किन एंड कटिंग ऑफ. अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है. उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो इसका ए नंबर है वो 8783A है और जो पैरों के लिए है वो इसमें आपको दिखाया गया है कि आप कहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो. हील पे कर सकते हो, हील बॉल पे कर सकते हो और टोनेल पे भी कर सकते हो. चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ फटाफट कि इसके अंदर क्या क्या आया है. एक्चुअली मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ और मैंने सोचा कि मैं यूज़ करूँ उसके बाद मैं आपको इसका रिव्यू दूँ तो ज़्यादा बेटर होगा. मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी एक किट आई हुई है और इस किट को हमें ऐसे ओपन करना है. ये जो सेल है जो मैंने यूज़ किया था तो मैंने इसमें रख दिया है. अब आप मैं आपको मैं दिखाती हूँ कि इसके अंदर ये जो है ये ब्रश इसमें लगा हुआ है. एक लगा हुआ आया था तो ये ब्रश जो है आपकी वो आपकी फेस पे स्क्रब करने के लिए काम आता है. इससे आपका फेस बहुत अच्छे से स्क्रब होता है. सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये मशीन कैसे ऑन होती है. इसमें आप ये देखेंगे कि ये एक होल दिया हुआ है और इसमें पीछे एक बटन है जिसमें हाई लो और ऑफ का बटन दिया हुआ है. हालांकि इसकी जो क्वालिटी है वो एवरेज है, कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है बट इट इज़ ओके बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ इट ऑन एवरीडे बेसिस बट यू कैन ऑल्सो. मैं इसमें सेल लगे नहीं आए थे, मैं इसमें सेल लगा रही हूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि इसको कैसे यूज़ करना है. तो मैंने ये सेल लगा दिए हैं इसमें, मैंने इसे बंद किया. अब आप इसमें जो चाहें अपना ब्रश लगा सकते हैं. मैं इसमें ये ब्रश लगा के आपको दिखाती हूँ. ये ब्रश मैंने इसमें लगा दिया है. अब ये कुछ इस तरीके से चलने लगेगी. अब आप चाहें इसे तो आप इसे हाई कर सकते हो, चाहे तो इसे लो कर सकते हो, चाहे तो इसे बंद कर सकते हो. इसमें तीन ऑप्शन है, लो देन हाई. तो ये ब्रश आपका स्क्रब करने के काम आएगा फेस पे अपना. जो भी आपका जो भी स्क्रब आप यूज़ करते हैं उसको आप चाहे गीले पानी से, आप अपने चेहरे पे गीले पानी लगा के अपना स्क्रब लगा लीजिए और इससे इस ब्रश से आप हल्के हल्के मालिश कीजिए तो आपके फेस की बहुत अच्छी स्क्रबिंग हो सकती है. और आप फेस वॉश जो लगाते हैं आप इसमें फेस वॉश लगा के और हल्के से आप इसे अपनी बॉडी पे इस तरीके से घुमाइए तो आपका पूरा फेस जो है वो साफ़ हो जाएगा. और मैं आपको बताती हूँ ये वाला जो ब्रश है ये एक्चुअली दे ब्रश इसका है बट मैंने यहाँ पे लगा दिया था. तो ये और ये सेम ही ब्रशेस हैं बट इसके जो हेयर्स हैं ये थोड़े से बड़े हैं, उसके थोड़े छोटे हैं. हाँ, और इट डजेंट मैटर. अब मैं आपको बताती हूँ ये वाला जो ब्रश है, ये जो ब्रश है ये ब्रश आपकी आईज़ पे और आपकी जो फेस पे जो ऐसे कॉर्नर्स होते हैं जहाँ पे आप हार्ड ब्रश यूज़ नहीं कर सकते, जैसे आईज़ हैं आपकी, नोज़ कॉर्नर हैं, उसके लिए ये ब्रश है. इससे आप वहाँ पर इसे ऐसे लगा के उससे आप अच्छी तरीके से मालिश कर सकते हैं. देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ. अब मैं आपको ये ब्रश, ये वाला जो इसका अटैचमेंट है,
एक्चुअली ये जो अटैचमेंट है ये दिया तो फेस के अटैचमेंट के पास में ही दिया हुआ था, बट एक्चुअली ये मुझे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लगा. आई मीन आई वॉज नॉट एबल टू यूज़ इट ऑन माई फेस. थोड़ा सा ये इसका जो स्टोन है ये थोड़ा मुझे फेस के लिए यूज़ नहीं लगा. बाकी इट्स डिपेंड ऑन दी पर्सन टू पर्सन. मुझे तो ये ठीक नहीं लगा. मैंने एक बार यूज़ किया तो मुझे फेस पे थोड़ा जलन होने लगा. बाकी आप लोग अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते. एंड दिस वन इज़ ये जो इसका अटैचमेंट है ये अटैचमेंट फेस पे आप जब रात को सोते हैं तो आपको मसाज करने के काम आता है. तो इससे बहुत ही अच्छा एक्चुअली मसाज होता है. मैं आपको अभी करके भी बताऊंगी. इसे आप मसाज करने के बाद फेस पे कोई भी क्रीम आपको लगानी है, आप रात में जब सोते हैं तो अपने फेस पे क्रीम लगाना चाहें तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं. अगर आपकी एज 30 से ऊपर है तो आप इसका यूज़ डेली कर सकते हैं. अगर आप 30 के अंदर हैं तो आप वीक में एक बार या वीक में 2 बार इसका यूज़ करिए क्रीम लगाने में, फेस साफ करने में. ये काफ़ी अच्छा है. और बाकी जो इसके ये अटैचमेंट हैं, ये जो अटैचमेंट हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो सारे हैं ये सारे पैरों के लिए हैं. मैं आपको दिखा देती हूँ. ये एक ये है, एक ये है. वैसे मैंने तो अभी यूज़ नहीं किया है, लेकिन जैसे ही मैं इसको यूज़ करूँगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी. ये सारे सारे आपकी जिस जिस हिसाब से आपको अपने पैरों के लिए यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं. और ये तीन ये हैं. तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि अब मैं इनको कैसे यूज़ करेंगे. इसमें मैंने सेल लगा लिया है. मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको अपने फेस पे स्क्रब करना है तो आप स्क्रब का ब्रश कैसे यूज़ करेंगे. तो ये है मेरा मशीन. मैंने इसमें अब ये वाला अटैचमेंट जो है उसको ऐड कर दिया है. और आप अपने इसको मैंने अटैच कर दिया. आप अपने जहाँ पे भी यूज़ करना चाहते हैं, आपको हल्का सा वहाँ पे वाटर लगाना है या आप चाहें तो आप इस ब्रश को इसमें डिप कर सकते हैं. देन यू कैन यू नो, बट बेटर ये है कि आप पानी लगा लें, क्योंकि आप चाहें तो स्क्रब अपना इस पर डाल सकते हैं या चाहें तो यहाँ डाल सकते हैं. इस अप टू यू. तो मैंने ये स्क्रब लिया है, मैं आपको दिखा रही हूँ. ये जो है स्किन फ्रूट का जेंटल अप्रो एप्रिकॉट स्क्रब. अब आपकी मर्जी, आप जो भी चाहे यूज करें. तो मैं आपको दिखाती हूँ. तो मैंने थोड़ा सा ये यहाँ पे लिया है अपने हाथ पे. अब मैं तो थोड़ा सा और पानी लगाती हूँ एंड देन आई विल शो यू हाउ इट वर्क्स. ये देखिए मैंने इसको हाथ में लगा दिया और मैं ये मशीन चला देती हूँ. अब आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको अपने फेस पे इसको रोल करते करते इस तरीके से इस मोशन में आपको घुमाना है पूरे फेस पे. तो ये कुछ इस तरीके से आपकी पूरे फेस पे स्क्रब करेगा. और सेम मेथड से ही आपको अपने फेस पे जो आप फेस वॉश करते हैं इसी तरीके से आपको अपने फेस पे इससे आप अपना फेस वॉश लगा सकते हैं. सेम मेथड रहेगा, इसलिए मैंने आपको फेस वॉश का नहीं बता रही क्योंकि सेम मेथड है. तो ये आपकी इस वाले ब्रश से पूरे फेस पे आपका ये पूरा स्क्रबिंग हो जाएगा. अब मैं आपको इसको निकाल देती हूँ और मैं इसको लेके इसको इससे पोंछ देती हूँ फेशियल टॉवल से. अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कि आप क्रीम को कैसे मसाज कर सकते हैं अपने फेस पे. क्रीम के लिए हम लोग ये वाला अटैचमेंट यूज़ करेंगे और हम इसको बहुत अच्छी तरीके से इसमें ऐड कर देंगे. उसके बाद आप जो भी क्रीम आप यूज़ करते हैं, मैंने क्रीम लिया और अपने हाथ पे आप अपने फेस पे क्रीम लेके हर जगह पे अपने डॉट डॉट करके अपने फेस पे ये क्रीम लगा लीजिए.
और मैंने ये क्रीम लगाई हल्की सी, और इस मशीन को लेके इस वाले अटैचमेंट से आपको मशीन को ऑन करना है। आप चाहें तो उसकी स्पीड कम कर दें या चाहें तो आप इसकी स्पीड बढ़ा लें। ये देखिए इस तरीके से ये आपके पूरे फेस पे क्रीम की मालिश करता है। आप चाहें तो जो भी आप, अगर आप 30 के ऊपर हैं तो आप नाइट क्रीम जो भी यूज़ करते हैं आप उसको इसका यूज़ करके नाइट क्रीम लगा सकते हैं, और आपके हल्की से चेहरे पर डेली नाइट में आप अपनी मसाज भी ले सकते हैं। और फेशियल में तो ये सारी चीज़ें अल्टीमेट काम करती हैं। आई मीन ये तो फेशियल मसाजर ही है, बट डेली बेस पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ट्रस्ट मी, मैंने तो ये यूज़ किया है, मुझे तो ये बहुत ईजी लगा। मैं कई बार घर पर फेशियल करती हूँ बट क्योंकि हाथ बहुत दुखने लगते हैं, तो ये जो मेथड है ना ये मुझे बहुत सही लगा है। आप लोग मतलब इसको एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो इस तरीके से ये पूरी जो क्रीम है ये क्रीम को एब्जॉर्ब करेगा आपका फेस, और बहुत अच्छे तरह से ब्लड सर्कुलेशन होगा, और आपका ये जो स्किन है वो बहुत ग्लो करेगा, और जो रिंकल्स वगैरह एजिंग वगैरह वो सब जाएगी तो जाएगी ही। बाकी मैं आपको अब इसके बाद जो है और सबसे बड़े ये बात है, जब भी आप इनको यूज़ करें तो यूज़ करने के बाद बिना इनको साफ़ किए प्लीज़ इनको मत रखिएगा, क्योंकि ये फिर ख़राब हो जाते हैं। आप इनको चाहे तो एक, मैं तो इनको एक पानी में, गर्म पानी में डाल के और इनको क्लीन करती हूँ, और इनको सुखाने के बाद ही इसको दोबारा रखती हूँ, ताकि जो नेक्स्ट टाइम हम इनको यूज़ करें तो ये हमको फ्रेश मिले और कोई अभी किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना हो। और ये क्लीनिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ आप लोग इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अगर आप कुछ यूज़ कर रहे हैं इनको तो इनको हमेशा जब भी यूज़ करें तो इनको धो के रखिए, ठीक है। और अब मैं आपको बताती हूँ इसका जो, मैं आपको ये जो अटैचमेंट है इसका, एक तो ये आपके फेस के जो कॉर्नर्स हैं, जो सेंसिटिव एरियाज हैं आपकी फेस के, उनके कॉर्नर पे मसाज करने में काम आता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसको जो है आप इसको जो हमारा फाउंडेशन होता है इसको लगाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि मैं तो नहीं यूज़ करती हूँ ऐसे, बट आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं उसमें। तो मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ कि हाउ इट्स वर्क्स। तो मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, ये वाला जो है अटैचमेंट मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा यू नो हार्श है, तो ये मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। और नेक्स्ट, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं आपको ये जो अटैचमेंट्स हैं इनको पैरों पे भी करके बताऊँगी, बट अभी मैं आपको केवल फेस के लिए बता रही हूँ। तो मैंने ये जो फाउंडेशन है मेरा, ये लैक्मे का एब्सोल्यूट फॉलिस्ट फाउंडेशन है, ये देखिए मैंने इसको, मैंने आपको थोड़ा सा लगा के बताती हूँ। ये देखिए इस एरिया पे मैंने इसको थोड़ा सा लिया है, आप अपने फेस पे इसको डॉट डॉट करके लगा लीजिए। और ये देखिए मैंने हल्का सा इसको, ये मत करिए तो मैंने कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको इसको अच्छे से जो उसकी ये, इसको मैं इसमें लगा देती हूँ। अब आप देखिए ये कैसे काम करता है। देख रहे हैं आप, तो इस तरीके से आप इसको अपने फेस पे फाउंडेशन लगाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। शायद ये एयर ब्रश की तरह काम करता है, या इसने अपना काम कर दिया। और आप देख सकते हैं इसने अपना काम कर दिया। तो इस तरीके से फिर ये आपको देखेंगे, ये थोड़ा गंदा हो जाएगा, तो वही कि मैं आप इसको निकाल के और इसमें पानी में मैंने डाल दिया ताकि ये भी मैं क्लीन कर दूं। और अच्छा है, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। और आप बताइए आपको कैसा लगा। और आजकल की लाइफ में यू नो फेशियल एंड ऑल ये सब टाइम नहीं मिलता लोगों को ये सब कराने के लिए, और पार्लर्स में जाना पड़ता है, खूब सारा पैसा खर्च होता है।
प्लस टाइम भी वेस्ट होता है, घर पे जो आप खुद से करते हो वो थोड़ा डिफिकल्ट भी पड़ता है, तो हम सोचते हैं कि क्यों नहीं बाहर से कराएं। लेकिन ट्रस्ट मी, ये जो एक तरीका है, एक जो कहीं पे भी जाने से, किसी भी शादी फंक्शन में जाने से पहले एक जो बर्डन होता है हमको कि नहीं यार पार्लर जाना है और ये करना है वो करना है, ये बहुत मतलब अच्छा और इजी तरीका मुझे लगा है कि आप घर पे इसको अपनी चाहे कहीं पे भी इसको कैरी कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने जो ये किट दिया है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट है, आप इसे ट्रैवल के लिए बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, आपने इसको रख लिया आप कहीं भी ले गए। प्लस जो लोग जिनकी 30 से ऊपर की एज होती है उनको टाइम नहीं होता है कि वो कभी डेली अपनी स्किन का यू नो स्किन केयर कर पाएँ, पॉल्यूशन है, सब कुछ है, लाइफ बहुत हेक्टिक है, चेहरे पे का हम इतना केयर नहीं कर पाते, तो वंस इन अ वाइल 2 days और 3 days में हम ये मसाज और स्क्रबिंग फेस की कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट मुझे लगा और मैं तो उसको आपको बिल्कुल रिकमेंड करूँगी कि आप इसको बिल्कुल लें, और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मैं खुद इसको लिया और खुद इसका रिव्यू कर रही हूँ, और ये बहुत जेन्युइन रिव्यू है, और मेरे जितने भी रिव्यूज़ रहेंगे फ्रेंड्स वो सारे जेन्युइन रहेंगे, क्योंकि मैं पहले यूज़ करती हूँ प्रोडक्ट और उसके बाद ही उसका कोई रिव्यू करूँगी। और मैं आपको एक चीज़ और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बता दूँ कि इसमें जो इसके जो सेल हैं, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है कि ये जो सेल हैं इसके, इनको आपको हमेशा यूज़ करके इनको निकालना है। अगर आप इनको यूज़ करके नहीं निकालेंगे तो ये फिर आपकी मशीन ख़राब हो जाएगी। मैंने बहुत सारे लोगों को के रिव्यूज़ इसमें देखे हैं और उन लोगों ने ये बताया कि उन लोगों की मशीन जो है वो बहुत जल्दी ख़राब हो गई है। तो मैं आपको ये बता दूं कि सबसे बड़ा ये जो कारण होता है वो इस तरीके की चीज़ों में यही होता है कि अगर आप बैटरी को उसमें से नहीं रिमूव करते हैं तो वो मशीन ख़राब हो जाती है। तो सबसे पहले आप ये बात जरूर याद रखिए कि आप इसको सबसे पहले यूज़ कीजिए, यूज़ करके इसके सेल निकाल के आप इसमें ही रख दीजिए। मैं इसके सेल निकाल के इसमें ही रख देती हूँ, और जो जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप जब भी इनके जो अटैचमेंट है इनको यूज़ करें, इनको प्लीज़ क्लीन करके और अच्छे से क्लीन करके, वॉश करके और इनको ड्राई करके वापस इसमें रखिएगा, क्योंकि जो वो नमी होती है फिर हम दोबारा उनको यूज़ कर दें तो यू नो इट कैन बी रीज़न फॉर दी इन्फेक्शन ऑल्सो। सो आप लोग इसको अगर अच्छे से ध्यान रखेंगे और अच्छे से इसको यूज़ करेंगे तो ट्रस्ट मी ये मशीन आपको यू नो बहुत हेल्प करेगी। इसका थोड़ा केयर भी है, जो मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं, इसकी बैटरी और इसके जो क्लीनिंग है, ये दो चीज़ का आप ध्यान रखिए तो ये मशीन काफ़ी आपको यूज़फुल रहेगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो इसके सेल हैं, मैंने पहले इनको इसको 1 week यूज़ किया था और मैंने ये देखा था कि जो इसका बैटरी लाइफ है वो ये बैटरी इसका कितना चलेगा। तो अगर आप अच्छी क्वालिटी के बैटरी को यूज़ करते हैं, तो मैंने इसको डेली बेस पे यूज़ किया था, 15 minutes या 10 minutes की मसाज मैंने डेली ली थी इससे, तो ये बैटरी मुझे, ये सेल मुझे 1 week चले हैं। तो आप लोगों के लिए ये भी मैं बता दूं कि ये जो सेल हैं इसके, अगर आप डेली 15 to 20 minutes मसाज करेंगे तो ये 7 days चलते हैं, और अगर आप 10 minutes की मसाज करेंगे डेली बेस पे तो मेरे ख्याल से ये आपको 15 days चले जाएंगे। तो आप मान लीजिए आपको महीने में अगर डेली बेस पे मसाज करनी है तो आपको 2 sets चाहिए, दो सेट दो दो के, तो आपको ये जो मशीन है ये आपको आराम से महीने भर 4 sets में चल जाएगी। और आई थिंक पार्लर में जो हम भर भर के पैसा खर्च करते हैं उससे तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, और डेली यूज़ करने पे आपको स्किन पे जो फ़र्क दिखता है वो अलग है। मैंने अपने फेस पे जो स्किन पे जो किया है मुझे तो बहुत फ़र्क लगा, स्किन टाइट होती है प्लस ग्लो करती है। डिपेंड करता है आप कौन से अच्छे मटेरियल यूज़ करते हैं, तो आप अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करिए, इनका यूज़ कीजिए और खरीदिए इसको। आप चाहें तो मैं आपको मैं अपने लिंक नीचे दे दूंगी, आप वहां से जाके खरीद सकते हैं। अभी तो वहां पे प्राइम सेल चल रहा है तो हो सकता है आपको 700 to 800 में ये पूरा वाला किट मिल जाए, लेकिन अगर सेल ख़त्म हो गई तो हो सकता है वो 1000 में भी हो जाए। और हाँ, मार्केट में ये जो है ना, इस तरीके की जो 5 in 3 in 1 4 in 1 तरीके की जो किट चलती, इस तरीके की मशीन सेट चलता है, वो भी बेटर ऑप्शन है, क्योंकि सीरियसली आई डोंट यूज़ दीज ऑल, क्योंकि ये तो मैंने अभी तक तो किया नहीं है, लेकिन हाँ
अगर आपको ये वाली मशीन भी आनी है जो कि 200 से 300 रुपए तक में भी आ जाती है, तो आप वो भी खरीद सकते हैं। मैं आपको उसका भी लिंक नीचे दे दूंगी। तो अगर आपका बजट इतना नहीं है तो आप ये भी कर सकते हैं। बट क्योंकि मैंने ये किया, ये कॉम्पैक्ट है, इसमें ये केक भी था, और क्योंकि मैं ट्रैवल करती हूँ तो मुझे इधर से उधर जाने में भी थोड़ा ना ईजी पड़ता है कि इसको मैं कहीं पर भी लेके जाऊँ, तो ये मुझे थोड़ा कॉम्पैक्ट प्यारा सा लगा तो मैंने ये ऑर्डर किया। अदरवाइज आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप किसी भी किट बना के उसमें ये सब रख सकते हैं। तो फाइनली आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा, और आप मुझे बताइए कि आप और किसी इस तरीके की कोई और इसके बारे में और कोई और चाहिए कि इसके बारे में कोई और नॉलेज चाहते हो, या कोई और आपको जानकारी अगर चाहिए हो मुझसे। और आपको मेरा सबसे पहले तो आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। मैं आपको पहले तो इतना मैं आपको आपने मेरा रिव्यू देखा, अब मैं आपको बोलूँगी आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और प्लीज़ मुझे ये बताइएगा कि आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा, अगर आपको उसमें कुछ कमी लगी है या आप उसके बारे में कुछ और नॉलेज चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं आपको उसके बारे में ज़रूर बताऊंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।